मैं श्याम गुप्ता, लेक्चर केमिस्ट्री, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अलवर। आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट फर्स्ट स्टडी करेंगे। इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, आरएनएस का प्रिंसिपल क्या होता है और ऑस्टवाल्ड का प्रिंसिपल क्या है। देखिए, जिन बच्चों ने किसी वजह से क्लासेस मिस कर दी है तो उनसे मैं निवेदन करूँगा कि आप कॉपी और पेन लेके बैठें। जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे रिकॉर्डिंग आप अपने कॉपी में रिटर्न करते जाएं। तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। देखिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती क्या है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिस्ट एक फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट होती है, जिसके अंतर्गत हम विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं, जो कि हम कैसे केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। केमिकल एनर्जी, देखिए क्या होता है, कोई केमिकल होता है उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट, दो इलेक्ट्रोड लगा दिए जाते हैं और जैसे ही उन इलेक्ट्रोड को कनेक्ट किया जाता है, कुछ समय पश्चात हम देखते हैं कि उनमें करंट फ्लो होने लग जाती है, वायर के अंदर करंट फ्लो होने लग जाती है, यानी कि केमिकल इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसा केमिकल जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है वो इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है। इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो जलीय, जो अपनी विलयन अवस्था में या द्रवित अवस्था में विद्युत के चालक होते हैं तथा ये डिसोसिएट हो जाते हैं। डिसोसिएट का मतलब आयनों में विभक्त हो जाते हैं, आयनों में टूट जाते हैं। दो तरह के आयन बनाते हैं, एक धनायन और एक ऋणायन, और ये धनायन और ऋणायन एनोड और कैथोड पर जाकर के इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, जिसके फलस्वरूप करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है। जब भी कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो जलीय अवस्था या द्रवावस्था में आयनित नहीं होते हैं, डिसोसिएट नहीं होते हैं, वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं। जैसे चीनी, यूरिया या ऐसे पदार्थ हैं जो इनमें अगर हम इलेक्ट्रोड लगा भी दें तो ये डिसोसिएट नहीं होंगे और करंट फ्लो नहीं होगी, यानी कि विद्युत के कुछ अलग होते हैं। तो इसी क्रम में इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक दुर्बल इलेक्ट्रोलाइट होता है और एक प्रबल इलेक्ट्रोलाइट होता है। देखिए, पहले हम बताते हैं दुर्बल इलेक्ट्रोलाइट। दुर्बल इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो 100% डिसोसिएट होते हैं। ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जो 100% डिसोसिएट का मतलब होता है आयनों में टूटना, विभाजित हो जाते हैं, राइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए, जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, प्रबल अम्ल हैं, जैसे HCl, H2SO4, HClO4, ये ऐसे होते हैं जो 100% आयनों में टूट जाते हैं, राइट। दूसरा एग्जांपल है, ये पहला एग्जांपल हो गया। दूसरा है स्ट्रॉन्ग बेस, जितने भी प्रबल क्षार हैं वो भी 100% आयनों में टूट जाते हैं और करंट फ्लो करते हैं, जैसे कि NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, KOH ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये इजीली आयनों में टूट जाते हैं। जैसे ये HCl है, ये H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूट जाता है। इसी तरह H2SO4 2H पॉजिटिव प्लस SO4 माइनस 2 में टूट जाता है। इसी तरह HClO4 टूट जाता है। इसी तरह आपका NaOH Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव में टूट जाता है। KOH K पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव में टूट जाते हैं। तो जितने भी धनायन बन रहे हैं, यानी कि कैटायन बन रहे हैं, वो कैथोड की तरफ जाते हैं और जितने भी एनायन हैं वो एनोड की तरफ जाके करंट फ्लो प्रारंभ करते हैं। तीसरा एग्जांपल है लवण। जितने भी प्रकार के लवण हैं, चाहे वो स्ट्रॉन्ग एसिड से बने हो प्लस वीक बेस से बने हो, चाहे वो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बने हो, चाहे वो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस से बने हो, चाहे वो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बने हो, चाहे वो वीक एसिड वीक बेस से बने हो, जितने भी प्रकार के एसिड हैं
वो सारे प्रबल की कैटेगरी में आते हैं, राइट। चाहे वो दुर्बल से बनते हों, दुर्बल अम्ल से बनते हों, चाहे वो प्रबल अम्ल से बनते हों। जैसे कि एग्जांपल लें हम इनका, NaCl, ये स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस का है। जब इसको पानी में घुलता है तो आयनों में डिसोसिएट हो जाता है, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में, और एक करंट फ्लो स्टार्ट कर देते हैं एनोड कैथोड पर जाकर। ये स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जाम्पल है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं CH3COONa, ये वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जाम्पल, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा। इसी तरह CH3COOH4, ये वीक एसिड वीक बेस का एग्जाम्पल है, लेकिन ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा क्योंकि 100% डिसोसिएट होगा। इसी तरह NH4Cl, ये स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का एग्जाम्पल है, ये भी 100% डिसोसिएट होगा। तो इस तरह से तीन तरह के एग्जाम्पल, तीन कैटेगरी हो गई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस एंड जितना भी टाइप के सोल्ट है, राइट। तीसरी कैटेगरी आती है, अगला है सेकंड एग्जाम्पल है दुर्बल विद्युत अपघटक। देखिए प्रबल का क्या डेफिनेशन है, जो 100% डिसोसिएट होते हैं वो प्रबल इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं। दुर्बल की डेफिनेशन है जो बहुत कम डिसोसिएट होते हैं, बहुत कम आयनित होते हैं, वो बहुत कम आयनित होते हैं। आयनित होते हैं जितने भी एग्जांपल देखते हैं, जितने भी प्रकार के वीक एसिड हैं, दुर्बल अम्ल जितने भी प्रकार के हैं, दुर्बल अम्ल जैसे कि जो जनरली हमारे इस चैप्टर में आगे काम आएगा, याद रखें आप CH3COOH, एसिटिक एसिड, ये दुर्बल अम्ल है, H2CO3, ये बहुत कम आयनित होते हैं, लगभग 10% मैक्स टू मैक्स, मैक्सिमम 10% आयनित होते हैं। सेकंड एग्जांपल है वीक बेस, जितने भी दुर्बल क्षार होंगे, जितने भी दुर्बल क्षार होंगे जैसे कि आपका NH4OH, जो कि इस चैप्टर में बहुत काम आएगा, याद रखें CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये भी दुर्बल क्षार हैं, बहुत कम आयनित होते हैं, लगभग ज्यादा से ज्यादा 10% तक, और बहुत कम करंट प्रवाहित करते हैं। तो चलिए देखिए आगे, ये आयनित होते कैसे हैं, किस तरह से डिसोसिएट होते हैं, कौन से नियमों का पालन करते हैं, डिसोसिएशन के दौरान क्या बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, उसको समझाने के लिए आरहेनियस ने अपना एक प्रिंसिपल दिया, जिसे आरहेनियस का सिद्धांत कहते हैं, आयनन सिद्धांत। उसके कुछ पॉइंट्स हैं वो हम स्टडी करेंगे। देखिए आरहेनियस क्या कहता है, जब किसी इलेक्ट्रोलाइट को, इलेक्ट्रोलाइट मतलब जो आपको भी एग्जाम्पल देता है स्ट्रॉन्ग एंड वीक, को पानी में घोला जाता है तो दो प्रकार के आयनों में टूट जाता है, एक तो धनायन और एक ऋणायन, धनायन दूसरा ऋणायन। जैसे ए बी कोई इलेक्ट्रोलाइट है, वो ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव में डिसोसिएट हो जाता है। और एक चीज हमेशा याद रखना, जितनी संख्या में ए पॉजिटिव बनेंगे उतनी ही संख्या में बी नेगेटिव बनेंगे, मतलब कि जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट होगा वो न्यूट्रल होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। देखिए कैसे, फॉर एग्जांपल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जब इसका डिसोसिएशन होता है तो ये Ca+2 +2OH- बनाता है। तो यहाँ देखिए प्लस जो पॉजिटिव चार्ज है वो +2 है, नेगेटिव चार्ज है वो -2, दो है तो -2, दोनों इलेक्ट्रिकली कैसे हो गए न्यूट्रल, पॉजिटिव दोनों के बराबर यानी कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। कोई और एग्जांपल आप कोई सा भी ले सकते हो, जैसे Al2SO4 का होल थ्राइस, ये कोई सोल्ट है, जब ये डिसोसिएट होगा तो 2 एल्यूमिनियम +3 बनाएगा, +3SO4-2 बनाएगा। देखिए 2 इंटू 3 करेंगे तो +6, 3 इंटू -2 करेंगे तो -6, यानी कि
टोटल चार्ज कितना हो गया इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, यानी कि जो इलेक्ट्रोलाइट है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। थर्ड थिंग, देखिए जैसे ही क्या होता है जब ये डिसोसिएट होना स्टार्ट कर देते हैं, तो कुछ समय पश्चात हम क्या देखते हैं कि ये जो जैसे ये ए और बी बने, कुछ समय पश्चात हम क्या देखते हैं कि ये ए और बी पुनः जुड़ करके ए बी इलेक्ट्रोलाइट बना लेते हैं। यानी कि जैसे जैसे रिएक्शन स्टार्ट होगी, ए बी डिसोसिएट होना स्टार्ट करेगा, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव बनेंगे, ये ए पॉजिटिव बी नेगेटिव वापस जुड़ करके ए बी बनाना प्रारंभ कर देंगे, और एक समय ऐसा आएगा जब ऐसा लगेगा कि जितना ए बी डिसोसिएट हो रहा है उतना ही वापस बन रहा है, यानी कि साम्यावस्था स्थापित हो जाएगी, और इस साम्यावस्था पर द्रव्यानुपाति का नियम लागू होता है। द्रव्यानुपाति का नियम लागू होता है। द्रव्यानुपाति का नियम क्या कहता है कि इस साम्यावस्था का साम्यावस्था स्थिरांक के उत्पाद की सांद्रता तथा अभिकारक की सांद्रताओं का अनुपात होता है। द्रव्यानुपाति का नियम कहता है कि जो के है यह कहता है कि जो उत्पाद है उसकी सांद्रता और रिएक्टेंट की सांद्रताओं का अनुपात साम्यावस्था स्थिरांक के बराबर होता है। तो फॉर एग्जाम्पल इसी इसी रिएक्शन की अगर बात करें, अगर अभिकारक या उत्पाद एक से अधिक हैं तो वो मल्टीप्लाई होंगे, उनकी कॉन्सेंट्रेशन और बड़े ब्रैकेट में लिखनी है, तो ए पॉजिटिव बड़े ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे बी नेगेटिव, क्योंकि एक से अधिक उत्पाद है और अभिकारक केवल एक है ए बी। तो इसका इस रिएक्शन का जो साम्यावस्था स्थिरांक होगा कि क्या इक्विलिब्रियम जो होगा ए पॉजिटिव बी नेगेटिव बटे ए बी। और अगर कहीं पर आपको लगता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल ए बी टू ये है, तो ये बनेगा ए प्लस टू प्लस टू बी नेगेटिव। तो यदि स्टाइक्योमेट्री एक से अधिक है तो वो घात में चली जाएगी। कहने का मतलब है इसका जो साम्यावस्था स्थिरांक होगा द्रव्यानुपाति के अनुसार ए प्लस टू की कॉन्सेंट्रेशन बी माइनस की कॉन्सेंट्रेशन पर स्क्वायर, क्योंकि इसका स्टाइकोमेट्री कितना है 2 बटे ए बी 2 की कॉन्सेंट्रेशन, राइट। चलिए अगला क्या कहता है आरएनएस, देखिए अगला आरएनएस क्या कहता है, जैसे ही अब इनके अंदर इलेक्ट्रोड लगा करके धारा प्रवाहित करेंगे तो जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव की तरफ जो पॉजिटिव आयन बना है वो इलेक्ट्रोड कैथोड की तरफ जाने लगता है, यानी कि ऋणावेश की तरफ, और जो नेगेटिव आयन बना है वो इलेक्ट्रोड एनायन की तरफ जाने लग जाते हैं और करंट प्रवाहित करने लगते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है आरएनएस कि कितना आयन डिसोसिएट हुआ, यानी कि आयनन की तरह कि कितना प्रतिशत कोई विद्युत अपघटन डिसोसिएट हुआ, वो उसके कितने आयन डिसोसिएट हुए उसमें कुल आयन की संख्या का अगर भाग लगा दें कि आयनन की आयनित अवस्था में एबी के जितने मोल डिसोसिएट हुए और उस आयनन से पूर्व उस एबी के कितने टोटल मोल थे उनका अगर भाग लगा दें तो आयनन की दर प्राप्त हो जाएगी अल्फा के इतना परसेंट डिसोसिएशन हुआ है, राइट। नेक्स्ट थिंग आरएनएस कहता है कि ये विलयन में जितने भी धनायन और ऋणायन की संख्या होती है, यानी कि विलयन की जो प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कि ये जनरली हम आईएफ स्टडीज में स्टडी करते हैं लेकिन आपको जस्ट अपना थोड़ा सा आइडिया रहना चाहिए, याद रहनी चाहिए, हिमांक में उन्नमन, क्वथनांक में उन्नयन, परासरण दाब, वाष्प दाब इत्यादि जो प्रॉपर्टीज होती है ये सब उनकी आयनों की संख्या पर करती है। जितने ज्यादा आयन बनेंगे ये प्रॉपर्टीज उतनी ही ज्यादा होगी, यानी कि हिमांक में कमी उतनी ही ज्यादा होगी, क्वथनांक में वृद्धि उतनी ज्यादा होगी, उन्नयन का मतलब वृद्धि, अवनमन का मतलब कमी, वास्तव में कमी उतनी ज्यादा होगी, परासरण दाब उतना ही ज्यादा होगा, आयनों की संख्या पर निर्भर करते हैं। तो ये आरएनएस ने कुछ पॉइंट्स बताए और किस तरह से डिसोसिएशन होगा, किस तरह से द्रव्यानुपाति का नियम लगेगा, ये हम आगे पढ़ेंगे पूरे द्रव्यानुपाति का नियम कैसे काम आएगा कैसे नहीं। तो देखिए आरएनएस ने एक बात तो बोल दी कि कोई इलेक्ट्रोलाइट है वो डिसोसिएट होगा और ए पॉजिटिव धनायन बनाएगा बी नेगेटिव ऋणायन बनाएगा, ये दोनों इलेक्ट्रोलाइट के लिए बोली, प्रबल और दुर्बल के लिए। लेकिन आपको जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया
रबर इलेक्ट्रोलाइट 100% डिसोसिएट होता है। यानी मान लीजिए ए बी इलेक्ट्रोलाइट को जैसे ही पानी में डालेंगे, पानी में डालते वो धनायन और ऋणायन बना देगा तुरंत ही, और ए भी बचेगा नहीं, तो वहां पर धर्म पति का नियम नहीं लग पाता है। तो इसकी इसकी व्याख्या बाद में ओस्टवाल्ड ने करी, कि ओस्टवाल्ड ने बताया कि ये जो द्रव्यमान पति का नियम है या जो डिसोसिएशन होता है, ये दुर्बल के लिए ठीक है, क्योंकि प्रबल तो 100 डिसोसिएट होता है। तो ओस्टवाल्ड का नियम दुर्बल विद्युत अवघट्य पर लागू होता है, कि कैसे वह आयनित होता है और आयन की मात्रा कैसे तनुता पर निर्भर करती है, इसकी व्याख्या ओस्टवाल्ड ने करी थी कि आयनन की मात्रा जो होगी अल्फा, यह तनुता पर किस तरह से निर्भर करेगी। यदि हम तनुता बढ़ाएं तो आयनन की मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, लेकिन केवल दुर्बल के लिए, प्रबल के लिए नहीं। क्यों? क्योंकि प्रबल तो ऑलरेडी 100% डिसोसिएट है, तो उसके तो तनुता का कोई इफेक्ट आएगा ही नहीं। ऑलरेडी अल्फा का मान कितना है उसका, 1, उसके डिसोसिएशन इफेक्ट ही नहीं आएगा। तो इसलिए जो आरएनएस ने बताया था, आरएनएस ने बताया था कि आयनन की मात्रा जो है तनुता पर निर्भर करती है, लेकिन ये नहीं बता पाएगी प्रबल और दुर्बल के लिए। लेकिन इसकी जवाब में स्टडी किसने करी, ओस्टवाल्ड नामक वैज्ञानिक ने, कि तनुता पर कैसे आयनन प्रभावित होता है, उसकी स्टडी ओस्टवाल्ड ने करी। तो देखिए कैसे तनुता आयनन की मात्रा को प्रभावित करती है, उसकी स्टडी हम करते हैं यहाँ पर। हम एक डेरिवेशन करेंगे यहाँ पर। तो हम एक दुर्बल इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं जैसे ए बी, राइट, डिसोसिएट होगा कुछ ही मात्रा में, डिसोसिएट होगा जैसे डेफिनेशन से आपको बताया, ए बी इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट होता है, तो ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव बनाएगा, लेकिन कुछ मात्रा में होगा, ज्यादा नहीं, बहुत कम। जैसे कि हम लेते हैं यहाँ एक ए बी इलेक्ट्रोलाइट हमने लिया, ये डिसोसिएट हुआ, ए पॉजिटिव प्लस बी नेगेटिव। मान लेते हैं प्रारंभ में, यानी टी बराबर जीरो समय पर, प्रारंभ में जब हम टी बराबर जीरो समय था, तब मान लेते इसकी कॉन्सेंट्रेशन सी थी, इसकी जीरो जीरो होगी क्योंकि तो बनेंगे नहीं स्टार्टिंग में। मान लेते हैं टी समय पर ए बी की अल्फा मात्रा डिसोसिएट हो गई, वियोजित हो गई, राइट, इसकी बचेगी सी माइनस सी अल्फा। देखिए अगर वियोजन की मात्रा दे रखी है तो आपको प्रारंभिक सांद्रता से गुणा करके घटाना है, और अगर मोल्स दे रखे हैं तो आपको डायरेक्टली घटाना है, ठीक है। तो इनकी स्टोइकोमेट्री कितनी है, इसकी 1 मोल, इसकी 1 मोल और इसकी 1 मोल। तो इस 1 मोल के लिए डिफरेंस कितना हुआ, सी अल्फा, ये जितना डिसोसिएट होगा उतना ये बनेगा, तो 1 मोल के लिए सी अल्फा, तो 1 मोल के लिए बनेगा कितना, सी अल्फा, और इसके लिए भी सी अल्फा, राइट। तो ये कॉन्सेंट्रेशन निकाली, देखिए मैं फिर बोलता हूँ, अगर वियोजन की मात्रा दे रखी है तो आपको प्रारंभिक सांद्रता से मल्टीप्लाई करके घटाना है, और अगर मोल्स दे रखे हैं तो आपको डायरेक्टली, फॉर एग्जांपल जैसा कि 2 मोल डिसोसिएट हो गए तो सी माइनस 2 करना है डायरेक्ट, लेकिन अगर वियोजन की मात्रा दे रखी है तो आपको प्रारंभिक सांद्रता से गुणा करके घटाना है। द्रव्यमानुपाति का नियम लगाते हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन। द्रव्यमानुपाति के नियम के अनुसार के बराबर क्या होगा, प्रोडक्ट की सांद्रता बटे रिएक्टेंट की सांद्रता, और प्रोडक्ट में कौन कौन है, ए पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन, बी नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई ए बी, राइट। कॉन्सेंट्रेशन आपके पास है ए बराबर सी अल्फा इंटू सी अल्फा बटे सी माइनस सी अल्फा, सी को माना जाएगा नीचे से, सी अल्फा इंटू सी अल्फा डिवाइडेड बाई सी इंटू 1 माइनस अल्फा, सी से सी कैंसिल, के बराबर आ गया सी अल्फा स्क्वायर बटे 1 माइनस अल्फा, सी अल्फा बराबर आ गया 1 माइनस अल्फा। देखिए अब ये जो अल्फा की मात्रा है ये बहुत कम है, क्योंकि दुर्बल विद्युत अवघट्य है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं 10% है, 10% का मतलब 0.1 हो गया, 10 में 100 का भाग लगाओगे तो 10% का मतलब 0.1%, 0.1, राइट। और 1 माइनस 0.1 करेंगे, 1 माइनस 0.1 करेंगे तो कितना आएगा, 0.9, जो लगभग 1 के ही बराबर होगा, इसलिए 1 माइनस अल्फा टेंस टू 1 के बराबर, तो के बराबर क्या हो जाएगा, सी अल्फा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर बराबर हो जाएगा
सिंपल मैथमेटिक्स है, के अपॉन सी, अल्फा बराबर हो जाएगा अंडर रूट के अपॉन सी, और जो समानुपाती को हटा करते हैं तो कॉन्स्टेंट आता है, कॉन्स्टेंट को हटाएंगे तो समानुपाती आएगा, तो अल्फा बराबर अल्फा क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट को हटाएंगे तो अल्फा प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन अंडर रूट सी। सी क्या है, सांद्रता, और आपको ये पता होना चाहिए सांद्रता और तनुता में, तनुता का मतलब अगर हम पानी ज्यादा मिलाएंगे तो सांद्रता कम होगी, पानी कम मिलाएंगे सांद्रता ज्यादा होगी, और तनुता और सांद्रता में रिलेशन होता है उल्टा, तनुता ज्यादा तो सांद्रता कम, सब जानते हैं जैसे चीनी का घोल है, अगर चीनी मिलाएंगे तो घोल सांद्रता बढ़ेगी, पानी मिलाएंगे तो पतलापन बढ़ेगा, सांद्रता कम होगी तो तनुता रिवर्स होती है, यानी कि आयरन की मात्रा अल्फा प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन अंडर रूट सी, तनुता को जनरली वी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो समानुपाती अंडर रूट वी, यानी कि अल्फा समानुपाती अंडर रूट तनुता, तो तनुता बढ़ाएंगे तो वियोजन की मात्रा बढ़ेगी, यहाँ से ये प्रूव होता है, और यही प्रूव किसने दिया था, ओस्टवाल्ड, तो यहाँ से ओस्टवाल्ड ने साबित कर दिया कि जैसे जैसे तनुता बढ़ाएंगे अल्फा के मान में भी वृद्धि होती चली जाएगी, और यही आरएनएस ने कहा था कि तनुता बढ़ाने पर अल्फा बढ़ेगा दोनों के लिए, लेकिन प्रबल 100% डिसोसिएट होता है तो इसके लिए तनुता से कोई इफेक्ट आएगा, लेकिन दुर्बल बहुत कम होता है तो दुर्बल पर तनुता का इफेक्ट आएगा, इसलिए ओस्टवाल्ड ने एक्सप्लेनेशन दुर्बल के लिए दिया, और दुर्बल के लिए बताया कि कैसे डिसोसिएशन होगा और किस तरह से अल्फा तनुता पर निर्भर करेगी। तो आप ये एक एग्जाम में डेरिवेशन आ जाता है ओस्टवाल्ड का, आप जरूर याद रखें, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने नोट किया होगा, इसके का पार्ट, इसके आगे का पार्ट अपन सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकंड के अंदर, तो नेक्स्ट पार्ट हम जल्दी ही रिलीज कर देंगे। थैंक यू।